मेरे श्रमिक साथियों, देश आपकी भावनाओं को भी समझता है और आपकी जरूरतों को भी समझता है। आज खगड़िया से शुरू हो रहा यह गरीब कल्याण रोजगार अभियान इसी भावना, इसी जरूरत को पूरा करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन छह राज्यों के 116 जिलों में ये अभियान पूरे जोर शोर से चलाया जाएगा। हमारा प्रयास है कि इस अभियान के जरिए श्रमिकों और कामगारों को घर के पास ही काम दिया जाए। अभी तक आप अपने हुनर और मेहनत से शहरों को आगे बढ़ा रहे थे, शहरों को चमका रहे थे, शहरों का भला कर रहे थे, अब अपने गांव को, अपने इलाके को आगे बढ़ाएंगे। और साथियों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मुझे इस कार्यक्रम की प्रेरणा कहां से मिली। मैं आपको ये सीक्रेट बता देता हूं, मुझे इस कार्यक्रम की प्रेरणा कुछ श्रमिक साथियों से ही मिली, कामगार भाइयों से ही मिली है। साथियों, मैंने मीडिया में इस लॉकडाउन के दरमियान एक खबर देखी। ये खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से थी। वहां एक सरकारी स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, तो ये जो शहर से श्रमिक वापस आए थे उनको वहां रखा था। उस समय ज्यादातर दक्षिण भारत से जो श्रमिक थे वो आए थे, हैदराबाद से आए हुए थे, और इन श्रमिकों को रंगाई पुताई और पीओपी के काम में वो उनकी मास्टरी थी। अब वो क्वारंटाइन में थे और वो अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते थे, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे ही पड़े रहेंगे, दो टाइम खाते रहेंगे, उसके बजाय हम जो जानते हैं उस हमारे हुनर का उपयोग करिए। और देखिए, उन्होंने उस सरकारी स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर में रहते हुए इन हमारे श्रमिक भाई बहनों ने अपने हुनर से उस स्कूल का ही कायाकल्प कर दिया। लॉकडाउन के समय उसकी रंगाई पोताई करके बढ़िया बना दिया। मेरे श्रमिक भाई बहनों के इस काम को जब मैंने जाना, उनकी देशभक्ति को, उनके कौशल ने मुझे, मेरे मन को एक प्रेरणा दी। उसी में से मुझे आइडिया आया कि ये कुछ करने वाले लोग हैं, और उसी में से इस योजना का जन्म हुआ है। आप सोचिए, कितना टैलेंट इन दिनों वापस अपने गांव लौटा है। देश के हर शहर को गति और प्रगति देने वाला श्रम, हुनर जब खगड़िया जैसे ग्रामीण इलाकों में लगेगा, तो इससे बिहार के विकास को भी कितनी नई ऊर्जा मिलेगी, नई गति मिलेगी।